इट गुड आफ्टरनून एवरी वन स्वागत है आप सभी का अडर ट्वेंटी फोर सेवन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है उदिशा और आइए शुरू करते हैं यहाँ पर आपका एक इम्पॉर्टेंट सेशन है छोटा सेशन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है आप देख रहे होंगे कि आजकल मैं आप लोगों को जो आपका ये होता है क्या कहते हैं बेसिक्स या कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर जो है उनके ऊपर वी आर टचिंग अपॉन टॉपिक्स एंड वी रियली नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स इसी में से हमने कुछ आपको अभी वो पढ़ाया था ग्रामर के इम्पॉर्टेंट रूल्स बताए थे मैंने आपको बताया था वो भी क्या कहते हैं क्लोज uh, टेस्ट का ट्रिक बताया था और उसके पहले कुछ एक भी एक वो कैब का किया था अब आज वाले में क्या सीन है कि हम लोग करने वाले हैं अपना सेंटेंस uh, स्ट्रक्चर uh, क्या होता है इस चीज पर बहुत ही छोटा सेशन लिटरली फाइव मिनट सीरीज टाइप आप इसको समझ सकते हैं सबसे पहली चीज हमेशा ध्यान रखिएगा लाइफ में कि सेंटेंस क्या होता है सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन एक्सप्रेस अ कम्प्लीट थाट जो कि आपको पूरा थॉट बता सकता है पूरा थॉट एक्सप्रेस कर सकता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन एक्सप्रेस अ कम्प्लीट थार एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहती हूँ आई एम एम गोइंग टू स्टॉप आई एम गोइंग टू फुल स्टॉप ये ग्रुप ऑफ वर्ड जरूर है पर इसका कोई मीनिंग नहीं है ये इनकम्प्लीट है अपने आप में सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस आज जो हम बात करने के लिए जुड़े हैं वो एक सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में है सेंटेंस कैसे बनता है और जब किसी भी सेंटेंस में एरर ढूंढते हो या फिर तुम ढूंढते हो फ इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करना है इस तरीके की सेंटेंस कंपलेशन वगैरह वाली चीजें भी ढूंढते हो तो क्या नोटिस करना रहेगा ये ध्यान में रखना जो तुम्हारे सिंपल सेंटेंस का फॉर्म्यूला होता है स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक तुम्हें दिख गया यहां पर पहला फॉर्मूला ये है अब तुम्हें ये तीनों चीजें जल्दी से बताऊंगी सब्जेक्ट क्या होता है बेटा डूअर ऑफ एन एक्शन जो एक्शन को करता है परफॉर्म करता है या फिर तुम्हारा जो टॉपिक होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं वर्ब समझना वर्ब क्या होता है एक्शन होता है तुम्हारा कोई भी एक्टिविटी या एक्शन है उसे हम लोग वर्ब बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है रहा होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल इफाई से राधा लव स्वीट्स राधा को मिठाइयां पसंद है राधा तुम्हारी करता है परफॉर्मर ऑफ द टास्क या फिर द टॉपिक ऑफ डिस्कशन हम जिनके विषय में बात कर रहे हैं उनको और वो एक्शन क्या कर रही है पसंद करने का एक्शन लव्स और किसको पसंद कर रही है तो उनकी पसंद को रिसीव कौन कर रहा है स्वीट्स मिठाइयां ठीक है तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तुम्हें दिख चुका है सेकेंड जो तुम्हारा फॉर्मूला रहता है जो तुम एक स्ट्रक्चर समझ सकते हो थोड़ा सा इससे लेटर से say, एक एडवांस लेवल पर चल करके देखते हैं तो सब्जेक्ट आता है फिर तुम्हारे पास ऑगजिलरी वर्ब आता है फिर तुम्हारे पास मेन वर्ब आता है और फिर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट आता है आप लोग आज जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये दोनों ही तरह से जब भी न्यूज पढ़ो मैगजीन पढ़ो नॉवल पढ़ो कॉमिक्स पढ़ो उसमें देखा करो कि क्या इस तरीके से सेंटेंस बन रहा है अपना फिल इन द ब्लैंक्स देखते हो तो देखो कि अच्छा चलो जो हमारा टॉपिक है वो तो लिखा है क्या उसके बाद कोई ब्लैंक है उसके बाद ब्लैंक है तो ऑक्सिलरी भी आ सकता है मेन वर्ब भी आ सकता है ये दोनों भी दिए हुए हैं उसके बाद ब्लैंक है तो शायद ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ से इन्फॉर्मेशन उठा करके कॉमन सेंस लगा करके अपना बाकी का काम बनाना सीखो सब्जेक्ट ऑग्जिलरी मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अगर मैं आपसे यहां पर कहती हूं उदिशा इज टीचिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स की उदिशा कौन है जो कि एक्शन को कर रही है परफॉर्म कर रही है तो ये डुअर है यानी ये इनको हम सब्जेक्ट बोलते हैं ऑक्सिलरी क्या करता है ऑक्सिलरी तुम्हें एक्शन का समय दिखाता है इज वॉज एम वर विल एक्सेट्रा विल नहीं विल मॉडल में जाता है पर एक टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वो भी होता है तो बहरहाल तुम ऑक्सिलरी को कैसे पहचानोगे टाइम कौन सा वर्ड दिखा रहा है उदिशा इज टीचिंग पढ़ा रही है अभी एट द मोमेंट प्रेजेंट में तो वो इज तुम्हें प्रेजेंट दिखा रहा है Was यहीं लगा दोगे तो पास्ट दिखाएगा उदिशा इज टीचिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर तो उदिशा टाइम दिखाने वाला वर्ड क्या हो गया ऑक्सिलरी हो गया और मेन एक्शन जो जिसमें उनका हाथ पैर सर हिल रहा है दैट इज टीचिंग तो दिस इज योर मेन वर्ब जो एक्शन दिखाने वाला वर्ड होता है उसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं और तुम्हारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर ये दो शब्द हैं पर ये दोनों क्या है भाई तुम्हारे टॉपिक का नाम है सेंटेंस स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर इज द नेम ऑफ द टॉपिक सो योर सब्जेक्ट प्रेजेंट टाइम में इज टीचिंग दिस टॉपिक तो तुम्हारा ये क्या हो गया बेटा ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया <coughs> ये रिसीव कर रहे हैं ना उदिशा के एक्शन को उदिशा पढ़ा रही है क्या पढ़ा रही है इसको पढ़ा रही है इस इस चीज के विषय में पढ़ा रही हैं <laughs>. <coughs> hmm. शरण्या प्लीज डोंट स्पैम आई रियली डोंट लाइक इट स्पैमिंग इज नॉट माई थिंग फोकस ऑन द क्लास अब होगा आउट ऑफ सिंग जो भी है हम यहाँ पूरी रामायण खत्म हो गई तुम लोग अलग ही सवाल करते हो चलो उदिशा इज टीचिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर ये तुम्हारे सामने एक और सेंटेंस का फॉर्मूला यहां पर है एक पहले बता दिया था एक ये बता दिया है आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू फाइव मिनट्स थिंग्स ऑलमोस्ट डेली नाउ कल भी ऐसा एक जरूर लगवाऊंगी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है नोटिस करना शुरू करो कि सेंटेंस ऐसे ही बनता है मेरी क्लास में जब भी आते हो पैराजल हो ब्लैंक्स हो रीडिंग कॉम्प्रेंशन हो एरर डिटेक्शन हो मैं इसका सहारा लेती हूँ पढ़ाते वक्त आप लोग पढ़ने में अगर इसका सहारा लेंगे बहुत इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स ठीक है तो आप लोग अपना ध्यान रखिए इन छोटी छोटी चीजों को देखते हैं जो लोग लेट वीडियो में आए हैं लेट क्लास में आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी बहुत ही छोटा सेशन है इसको जरूर देख लेना प्रॉबली फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड ये हमारी फाइव मिनट्स या टेन मिनट सीरीज जो है कंटिन्यू करेंगे अपन ताकि छोटे छोटे जो वो है ना <clears throat> टॉपिक्स उनको जरूर हम लोग सीख सकें उनके बारे में डिस्कशन कर सकें यहाँ पर अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अभी अडा ट्वेंटी फोर सेवन की वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर आपको मिल सकता है सेवेंटी सेवन परसेंट का डिस्काउंट सेवेंटी सेवन परसेंट डिस्काउंट के लिए आप लोगों का कोड आई होप आपको पता है वाई वन सिक्स नाइन अब <coughs> अगर वेबसाइट पर जाओगे तो सेवेंटी सेवन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा एप्लीकेशन पर जाओगे अल्लाह <laughs> पूरी मेहनत नष्ट हो गई मेरी बहरहाल कोड ये है बेटा वाई वन सिक्स नाइन मॉक टेस्ट तुम्हें टेस्ट सीरीज लेनी है तुम्हें बुक्स लेना है तुम्हें आ, लाइव क्लासेस में एडमिशन लेना है महापैक लेना है कुछ भी हो कोड तुम्हारा ये रहने वाला है इससे फ्लैट सेवेंटी सेवन परसेंट वेबसाइट पे सेवेंटी एट परसेंट एप्लीकेशन पर डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पर चलते हैं अब मान लीजिए कि आप आई बी पी एस क्लर्क का बाद जो परसों शुरू हो रहा है उसमें एडमिशन ले रहे हो या आई बी पी एस पी ओ के बैच में एडमिशन ले रहे हो या एस बी आई पी ओ के नए बैच में एडमिशन ले रहे हो तो तुमने यहाँ पर क्लिक कर दिया ठीक है अब तुम यहाँ पहुंचे ये यह बैच दिख रहा है इसको ज्वाइन कर सकते हो या फिर तुम बैंक महापैक खरीद सकते हो बैंक महापैक ले लोगे तो सीधे सीधे तुम्हें ई बुक्स टेस्ट सीरीज लाइव क्लास वीडियो क्लास सब कुछ छह महीने तक मिलता ही जाएगा ठीक है ये अभी प्राइस दिखा रहा है चौदह हजार समथिंग व्यू ऑफर पर क्लिक कर लेना और व्यू ऑफर पर क्लिक करने के बाद थोड़ा जल्दी क्यों नहीं करता ये चीज प्रोसेस सेशन को छोटा रखने की कोशिश कर रहे थे हम ये सब इसकी गलती है हाँ हाँ अभी तो मैंने आप लोगों का वो कैब के लिए अच्छा खासा सेशन किया था आपको बुक भी बताई थी एस इंग्लिश इज द परफेक्ट बुक ठीक है आप यहाँ पर एंटर ई मेल एड्रेस में जाकर के अपना जो आपका ई right मेल लिख देना कूपन कोड मैं वही लिखना है अभी -अभी अप्लाई कर दिया जो चौदह हजार समथिंग का था नाउ दैट्स अवेलेबल फॉर थ्री थाउजेंड अ मेजर डिस्काउंट गोइंग ऑन वेबसाइट पर सेवेंटी सेवन परसेंट एप्लीकेशन पर सेवेंटी एट परसेंट तैयारी पूरी जोर शोर से करो बहुत से एग्जाम्स लाइन अप है बेटा और डेली तुम लोग का ये मिनट्स वाला सेशन हम प्लान कर चुके हैं मन में अब आगे एग्जीक्यूट करना बाकी है आज सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया है दो तीन चार तारीख को इम्पोर्टेंट ग्रामर रूल्स पढ़ाए थे कल फिर कुछ शायद इंपोर्टेंट लेकर के जुड़ूंगी तो डेली इस टाइम पर मेरे साथ आडा ट्वेंटी के यूट्यूब चैनल पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना और याद रखो शाम सात बजे मैं आप लोगों को आई बी के लिए इंग्लिश पढ़ाती हूँ यूट्यूब पर तो वहाँ पर भी आना मत भूलिएगा जाने से पहले वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरा रेफरल कोड वाई वन सिक्स नाइन है इसे यूज़ करके आपको जो कुछ भी परचेज करना है आप अंडा ट्वेंटी फोर सेवन से कर सकते हैं थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट बाय